संथाल परगना के गोड्डा लोकसभा सीट के लिए संगठन के दो प्रमुख घटक कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम के बीच इन दिनों घमासान जारी है। दोनों दल के नेता गठबंधन को क्षति पहुंचाने का एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर प्रदीप यादव दबाव बना रहे हैं, जिसका नतीजा गठबंधन पर पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन के बीच 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर सीट शेयरिंग की बात हुई है। इस लिहाज से गोड्डा सीट पर कांग्रेस का दावा मजबूत है, क्योंकि 2014 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन तीसरे स्थान पर रहने वाले जेवीएम नेता प्रदीप यादव बाबूलाल मरांडी पर अनावश्यक दबाव बनाकर गोड्डा सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। बाबूलाल जी दबाव में, बाबूलाल मरांडी दबाव में, उनको बाहर निकलना चाहिए दबाव से। उनके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं है, उनको पूरा पार्टी के हित में सोचना चाहिए। किसके दबाव में है? बाबूलाल मरांडी जी दबाव में है, उनका एक सीट है जो उनका प्रदीप यादव के दबाव में है। क्या बाबूलाल जी के दबाव से बाहर निकलना चाहिए, उनको राजनीति में सोचना चाहिए, राजनीति में फैसला लेना चाहिए बाबूलाल मरांडी को। आप लोग कितना दबाव बना पड़ रहे हैं इस महासंगठन में कि आप कांग्रेस को सीट मिले वहाँ? कि मेरा सीट है, मिलेगी क्या? मेरा सीट है, वो लोग दबाव बना रहा है कि सीट हम ले लें। वो लोग भी तो लड़े थे। लड़े थे, आप तीन नंबर में थे। अगर आप बात कीजिएगा ऑन द रिकॉर्ड, आप बात कीजिएगा तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है? मैं जामतला से विनिंग हूँ तो मुझे मिलना चाहिए सीट, मिलेगा मुझे अगर अलायंस होता है तो। दूसरा मापदंड ये जो सेकेंड है वो क्लेम करेगा, तीसरा क्लेम नहीं करेगा भाई। नहीं, बदलते हुए समय में स्थितियां बदलती हैं, तदनुरूप निर्णय लिया जाता है, उस हिसाब से वो क्लेम कर रहे हैं। कांग्रेस को क्या आपत्ति है उसमें? कांग्रेस को इसलिए आपत्ति है कि एक अल्पसंख्यक सीट में बदलते हुए आप जो बोल रहे हैं, बदलते हुए परिस्थिति में क्या माइनॉरिटी फंसेगा? मतलब माइनॉरिटी को मिलना चाहिए जगह। बिल्कुल, वो सीट माइनॉरिटी, और भी हमारे विनिंग सीटें हम लोग वहाँ नेतृत्व कर चुके हैं। जब हमारी बारी आई आप तो वहाँ भैंस फंसा रहे हैं। जेमएम पैच फंसाता समझ में आता, कोई और पार्टी पैच फंसाती। बाबूलाल मरांडी जी फंसा रहे तो ये लोग, ये लग रहा है जीबीएम पैच फंसा रहे लोग, ये लग रहा है कि नहीं कहीं ये लोग माइनॉरिटी विरोधी तो नहीं है। कभी प्यार और युद्ध के बारे में कहा जाता था कि इसमें हर चीज़ें जायज होती हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ न कुछ मर्यादाओं का पालन किया जाता था, लेकिन राजनीति ने तो अभी सबको पीछे छोड़ दिया है। यहाँ एक दूसरे पर आक्षेप लगाने से लेकर वो हर चीज़ें जायज हैं जो इन्हें फायदा पहुँचाती हों, भले ये गठबंधन या किसी अन्य को कितना भी नुकसान क्यों न पहुंचा दे। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।